छोड़िए। आप ये सब जो देख रही है वो सिर्फ आपका भ्रम है और कुछ भी नहीं। मंत्रोच्चारण करते रहिए, ये पूजा हमें किसी भी हाल में पूरी करनी है। बंगला बहन, आप अपने जहाँ टूट गया आपका तो ये पूजा भी टूट जाएगी। मैं हार नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी मैं हार। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी श्री, बर्बाद कर दूंगी तुझे। दिक्री श्री, तारी इच्छा शक्ति तो अद्भुत छे, पर मैं पता नहीं मैं अपना ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर पाई। मने माफ कर दो श्री। नहीं मंगला बहन, अगर आप मेरे साथ नहीं होती तो मैं कभी नहीं कर पाती। अब बस ये प्रसाद किसी भी तरह उन्हें खिलाना है ताकि उन पे किया गया वशीकरण का प्रभाव दूर हो सके। तू ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी श्री। मैं तेरा अनुष्ठान पूरा करने से नहीं जो नहीं तो क्या क्या, पर अब भी तू पूरी तरह से नहीं जीती। मैं तुझे ये प्रसाद हरि को नहीं खिलाने दूंगी। श्री, उनके प्रसाद खाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो कंगना है ना, वो कोई ना कोई मुश्किल जरूर खड़ी कर देगी। वो इतनी आसानी से हरि को ये प्रसाद थोड़ी खाने देगी। मेरी बात मान दिकरी, हमें बड़ी सावधानी से ये काम करना होगा। हाँ, अब वो कंगना जो चाहे कर ले। भोलेनाथ जी मेरे साथ हैं और वो मेरी मदद जरूर करेंगे उन्हें ये प्रसाद खिलाने में। प्रसाद तो वो खाएंगी, मेरे हाथ से ना सही तो किसी और के हाथ से। तूने ये चाल चली। अब देख कंगना तेरा जूता तेरे सर पे कैसे मारती है। इस प्रसाद के बदले इस परिवार से तुझे ऐसा प्रसाद मिलेगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। Thank you.
कहाँ चली गई इतनी सुबह सुबह? मधु भाभी, आप यहाँ, आप तो श्री, मैं जानती हूँ हरी को वापस पाने के लिए तुम कितनी मेहनत कर रही हो, पर मैं मजबूर थी श्री, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी, तुम्हारा साथ नहीं दे सकी, इसलिए आज मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। नहीं मधु भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे साथ दिल से थी, ये बात तो मैं पहले से ही जानती थी, और मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बहुत खुश हूँ श्री कि तुम आज भी मुझे इतना मान देती हो, और इसलिए मैंने आज फैसला कर लिया है, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी, चाहे अनंत मुझसे नाराजी क्यों ना हो जाए। श्री, तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना, हूं? अच्छा, ये हलवा तुम हरि के लिए लेकर आई हो ना? ये हलवा नहीं है भाभी, ये प्रसाद है, और ये प्रसाद उन्हें खिलाना बहुत ही जरूरी है। ये मेरा पहला कदम उस आत्मा के अभिशाप से उनको बचाने के लिए। बहुत अच्छा, जाओ हरि को प्रसाद दे आओ। कैसे दे आओ भाभी, आप तो जानती है ना, वो कंगना मुझे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी, ताकि मैं ये प्रसाद उन्हें ना खिला पाऊं। तेरे हाथ से भले ही ना खाए, लेकिन अगर उसे मैं खिलाऊंगी तो वो जरूर खाएगा। ला, मुझे दो, मैं उसे खिलाऊंगी। कंगना आज भी हम दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध समझती है, उसके इस सोच का हम फायदा उठा सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, बहुत। लीजिए। मुझे मत दो, इसे टेबल पे रख दो। मेरा मतलब है, मैं हाथ धोकर इसे स्पर्श करूंगी, इसे टेबल पे रख दो। क्या हुआ श्री? किस सोच में पड़ गई? अगर मन में श्रद्धा हो तो हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती भाभा। लीजिए। श्री, मैं प्रसाद को हाथ लगाऊं या नहीं ये बात अहम नहीं है, अगर कुछ खास है तो ये कि हरि इस प्रसाद को खा ले, है ना? प्रसाद टेबल पे रख दो, मैं बाद में ले लूंगी। ओ, तो नहीं चाल चली है तुम, ताकि मैं ये प्रसाद उन्हें ना खिला सकूं, है ना कंगना? मधु भाभी का रूप धारण करके मुझे रोकना चाहती थी तू? तुझे रोकने और हरि को पाने के लिए
मैं किसी भी हद से गुजर सकती हूँ श्री। तू चाहे कितनी भी हदें क्यों ना पार कर ले, लेकिन मेरी प्यार तक कभी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वासना और प्यार में, नफरत और स्नेह में बहुत अंतर होता है, जो तू कभी पा नहीं। तू देखती रह जाएगी कंगना, और मैं ये प्रसाद उन्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, और वो भी पूरे परिवार के सामने। अंतर तो तुझे नहीं पता श्री, मेरी ताकत और तेरी कमजोरी का, तेरी चाहत और मेरे इंतजार का। तू क्या हरी को पूरे परिवार के सामने ही प्रसाद खिलाएगी? मैं तुझे मजबूर कर दूंगी पूरे परिवार के सामने नजरें झुकाने के लिए। निक्की, आज कुछ तो अच्छा सा खाना बना दे, वैसे भी बहुत मैगजीन पढ़ती रहती है, इसी में से कुछ बना दे। मन नहीं है बड़ी बा। नाच न जाने खम्बा टेढ़ा। खम्बा नहीं, आंगन टेढ़ा होता है। और खम्बा टीका किसके ऊपर होता है? आंगन के ऊपर। अब आंगन टेढ़ा हुआ तो खम्बा तो टेढ़ा ही होगा ना। डोंट वरी बड़ी बाप, मैंने आप सब के लिए स्पेशल जूस बनाया है, आपके मन की बात भी हो जाएगी और निकी भाभी को आराम भी मिल जाएगा। ये तूने बड़ा अच्छा काम किया। थैंक्स। छोटी बाप रहने दो, कर दो। ये जूस जैसे ही हरी पिएगा उस पर मेरा वशीकरण और भी मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत कि श्री का प्रसाद उसे नहीं तोड़ पाएगा। हरी, जूस। नहीं बिंदिया, मेरा मन नहीं है। मैंने कितने प्यार से बनाया था आपके लिए, आपको आम पसंद है ना, इसलिए। और आम, आपकी मर्जी। ठीक है यार, नाराज क्यों हो रही हो, लाओ। अरे श्री बेटा, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये उस पूजा का प्रसाद है जो मैंने इनके लिए की है। अगर ये प्रसाद खा लेंगे तो ये पूजा संपन्न हो जाएगी, या ये कह लीजिए कि ये सिर्फ प्रसाद नहीं है बल्कि भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है इनके लिए। अच्छा, ऐसी बात है, तो हरी प्रसाद जरूर खाएगा, है ना हरी? हाथ में जूस है, पहले इसे पी लो। कोई बात नहीं बिंदिया, तुमने इतने प्यार से बनाया है, आराम से पीऊंगा। हाँ,
साथ दो श्री। ये पूजा मैंने इसलिए की है ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुख और शांति से गुजरे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये प्रसाद खुद बिंदिया आपको अपने हाथों से खिलाए। देख, इस बात को कोई नहीं छुटला सकता कि हम दोनों बहने हैं और मैं हमेशा तेरा भला चाहूंगी। ये प्रसाद खुद अपने हाथों से ही निकला। प्रसाद लो। नहीं। श्री, ये प्रसाद मैं इन्हें नहीं खिला सकती। मतलब पूजा तूने की है श्री, तो ये प्रसाद भी तुझे ही खिलाना चाहिए हरि को। ये भी सही है श्री बेटा, हरि को अपने हाथों से प्रसाद खिला। इस लड़की ने तो चाल मंदी कर दी थी, अब क्या करूं? कैसे रोकूं उसे?